हेलो बच्चों। ऑल राइट, सो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला एंड दिस इज योर वेरी ओन पेस पैच। सो हाउ आर यू गाइस, माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो विंटर इज कमिंग करते रहे और टशनबाजी में रहे और कब वो बीमार करके चली गई पता ही नहीं लगा। सो गाइस, मॉरल ऑफ द स्टोरी, अब सर्दियां बिल्कुल आ चुकी हैं, फुल ऑन आ चुकी हैं, ठीक है, और फुल ऑन पैक होके रहना, पूरा ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इन सर्दियों ने हमें करना है लेजी और हम लेजी होना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए फुल ऑन पैक होके रहेंगे, सेहत का पूरा ध्यान रखेंगे और करेंगे जोर शोर से पढ़ाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइज, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द चैप्टर नंबर 20, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव रेड दैट देर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। हमने देखा था कि इस चैप्टर में हमने दो चीजें करनी है, एक तो मसल्स पढ़ेंगे मूवमेंट के लिए जो जरूरी है, और दूसरा हमें पढ़ना है स्केलेटल सिस्टम, बोन्स, क्लियर। सो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे अंदर 3 तरह की मसल्स हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड कार्डियक, और हमने स्टार्ट किया था स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर के साथ, एंड अल्टीमेटली फाइनली हमने ये जाना था कि हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो बेसिक यूनिट इन्वॉल्व है दैट इज सार्कोमियर, दैट इज वाई वी कॉल इट एज अ यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर। तो आज हमने बेसिकली ये जानना है कि ये जो सार्कोमियर ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, देखो हमने सार्कोमियर का स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में किया था, ए बैंड, आई बैंड, जेड लाइन्स, राइट, एंड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या क्या होता है, वी हैव रेड इट ऑल। तो वी हैव सीन दैट देयर आर 2 जेड लाइन्स, और दो जेड लाइन्स के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोल देते हैं सार्कोमियर, ठीक है। बीच में हमारे पास थिक मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो मेजरली मायोसिन के बने हुए हैं। जो थिन मायोफिलामेंट्स हैं वो 3 तरह के प्रोटीन्स के बने हुए हैं, लेकिन मेन प्रोटीन कौन सा है, एक्टिन, ठीक है। और ये प्रोटीन्स ने मिलके हेल्प करनी है और करवानी है मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर। तो अल्टीमेटली द सार्कोमियर इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, और सार्कोमियर की कॉन्ट्रैक्शन से कौन सा क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होगा, और मसल फाइबर्स जोड़ के क्या बनाते हैं, मसल बंडल और द फैसिकुलस, ठीक है। और मसल बंडल्स मिलके बनाते हैं तुम्हारी मसल। आई होप तुम्हें अभी तक सारी हायरार्की याद हो चुकी होगी, राइट, क्विकली रिवाइज कर लें। चलो सबसे पहले मसल, मसल के अंदर बहुत सारे प्रेजेंट है बंडल्स, राइट, जिनको हम फैसिकुलस भी बोल देते हैं, राइट, और फैसिकुलस के अंदर प्रेजेंट है हमारे बहुत सारे मसल फाइबर्स जिनको हम बोलते हैं मसल सेल, क्लियर। क्या क्या फीचर्स थे मसल सेल के, जल्दी से रिकलेक्ट करो, सिलेंड्रिकल था, रिमेंबर, और उसकी कोई ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं थी, मल्टी न्यूक्लिएटेड था, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सिंसिटियम, राइट, और जो उसके न्यूक्लियाई थे वो पेरीफ्री की तरफ थे, सब याद आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स थे हमारे मसल फाइबर के, और मसल फाइबर के अंदर प्रेजेंट है मायोफाइब्रिल्स, और फाइब्रिल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं फिलामेंट्स, क्लियर। मसल के फिलामेंट्स हैं तो हम कह देंगे मायोफिलामेंट्स, और हमने देखा था कि ये मायोफिलामेंट्स प्रोटीन्स के बने हुए मेजरली मायोसिन एंड एक्टिन, दो तरह के फिलामेंट्स थे, बीच में मोटा फिलामेंट था थिक मायोफिलामेंट, और साइड्स पे प्रेजेंट थे उसके थिन मायोफिलामेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में, यानी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है उसका मैकेनिज्म जानने वाले हैं, और उस मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें गाइस पहले इन प्रोटीन्स का डिटेल में स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। चलिए लेट्स गेट ऑन टू दैट, आई होप एनसीईआरटी सबकी रेडी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज द टॉपिक ऑफ द डे, क्लियर। ओहो, इतना आवाज, इतनी आवाज, चले। सो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए गाइस हमें जानने की जरूरत है कि कॉन्ट्रैक्शन करवाते कौन है, कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, लेट्स सी। सो ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं हमारे पास, नंबर 1 एक्टिन, देन वी हैव ट्रोपोमायोसिन, एंड द थर्ड वन इज ट्रोपोनिन, ठीक है। एक और प्रोटीन है दैट इज मायोसिन, ठीक है। इनको अलग अलग इसलिए लिख दिया मैंने, अदरवाइज ये 4 मेन प्रोटीन्स हैं, इसके अलावा और बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, बट वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज 4 प्रोटीन्स बिकॉज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, ठीक है। चलो, और भी छोटे छोटे प्रोटीन्स हैं जो इनके स्ट्रक्चर को फर्दर रेगुलेट करते हैं, इनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, लेकिन उनको हम जरा भी छोड़ देंगे। सो गाइज, ये 4 प्रोटीन्स हैं,
ठीक है। अब इनमें से ये तीन प्रोटीन्स जो हैं ये मिलके बनाएंगे आपका थिन मायोफिलामेंट, हमने उस दिन भी रिवाइज किया था, राइट। और मैंने मेन बात जो तुम्हें बताई थी, बार बार रिपीट की थी, कि फिलामेंट्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, है ना। फिलामेंट फिलामेंट का जो साइज है वही रहने वाला है, ये सिर्फ स्लाइड करेगा। क्यों स्लाइड करेगा? लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ इट। और ये जो मायोसिन है ये मिलके बनाता है हमारा थिक मायोफिलामेंट, ये थिक बनाएगा। और इसके अंदर सिर्फ एक ही मायोसिन नहीं है, इसके अंदर 300 से 400 यूनिट्स ऑफ मायोसिन है, और इतने सारे मायोसिन यूनिट्स मिलके बनाने वाले हैं आपका थिक मायोफिलामेंट। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो थिक और थिन मायोफिलामेंट्स हैं किस तरह से प्रेजेंट है, क्लियर। ये जो तीन प्रोटीन्स की मैंने अभी बात की, ये तीन प्रोटीन्स एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ये किस तरह से अरेंज्ड है, लेट्स सी द स्ट्रक्चर फर्स्ट। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं मेन प्रोटीन की, दैट इज एक्टिन, दैट इज एक्टिन। चलो, सो ये है एक आपका एक्टिन प्रोटीन, ठीक है। नाउ दिस इज द मोनोमर, दिस इज द मोनोमर। और क्योंकि ये ग्लोबुलर है यानी स्फेरिकल सा है, तो इस ग्लोबुलर एक्टिन को हम बोल देते हैं जी एक्टिन, दिस इज जी एक्टिन। अब मैग्नीशियम आयन्स की प्रेजेंस में ये जो जी एक्टिन है यानी ग्लोबुलर एक्टिन है और मोनोमेरिक फॉर्म है, ये मोनोमर पॉलीमराइज कर जाएगा, ठीक है, और ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना देते हैं। सो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम बोल देंगे एफ एक्टिन, विच इज अ पॉलीमर। और कौन से आयन्स की जरूरत पड़ी है यहाँ पे हमें? मैग्नीशियम आयन्स। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ये क्वेश्चन है, हमने ऑलरेडी पिछली बार डिस्कस किया था कि कैल्शियम आयन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, राइट। बोन्स को स्ट्रेंथन करने के अलावा कैल्शियम और ब्लड क्लॉटिंग के अलावा कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल किस में होने वाला है? मसल कॉन्ट्रैक्शन में। बट इसके अलावा जो दूसरा आयन रोल प्ले करेगा मसल कॉन्ट्रैक्शन में, दैट इज मैग्नीशियम आयन्स। सो दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विच ऑफ द टू आयन्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन? वन इज कैल्शियम एंड सेकेंड इज मैग्नीशियम, ठीक है। तो तुम्हें मैग्नीशियम का रोल क्लियर हो गया कि मैग्नीशियम क्या कर रहा है? एक्टिन की पॉलीमराइजेशन करवा रहा है, क्लियर। नाउ सी, सो दिस जी एक्टिन, दिस इज अ मोनोमर, दिस इज अ मोनोमर, व्हाइल एफ एक्टिन दिस इज अ पॉलीमर, ठीक है। और किसने पॉलीमराइजेशन करवाई है? मैग्नीशियम आयन्स ने। नाउ सी, इस एफ एक्टिन के ऊपर या इवन जी एक्टिन के ऊपर यहां पे प्रेजेंट होता है गाइस मायोसिन के साथ बाइंडिंग साइट्स, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। नाउ सी, है एक्टिन लेकिन इसके ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होगी क्योंकि इन्होंने मायोसिन के साथ बाइंड करना है। लेट्स गो बैक। देखो, ये जो सारे प्रोटीन्स हैं ये तीन मिलके थिन मायोफिलामेंट बना रहे हैं, ये बना रहे हैं आपका थिक मायोफिलामेंट, ठीक है। अब बेसिकली ये एक्टिन और मायोसिन, इनकी आपस में इंटरैक्शन होती है जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होनी है, ठीक है। इन दोनों की आपस में इंटरैक्शन होगी तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इसका मतलब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करवानी है तो हमें इन दोनों को इंटरैक्ट करवाना होगा, और अगर मसल रिलैक्स करवानी है इनकी इंटरैक्शन को खत्म करना होगा। तो ये एक बेसिक लाइन याद रखना, बेसिक फंडा जो है ये याद रखना। तो ओवरऑल जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होनी है उसमें इन दोनों की इंटरैक्शन होगी, एक्टिन मायोसिन के साथ जुड़ेगा, मायोसिन एक्टिन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो एक्टिन के, एक्टिन के ऊपर मायोसिन के साथ बाइंडिंग साइट्स हैं, मायोसिन के साथ जुड़ने के लिए स्पेशल साइट्स प्रेजेंट है, उल्टा चलेगा, ठीक है। सो नाउ सी, दिस इज वन थ्रेड, नाउ लेट्स यूज आवर इमेजिनेशन टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो, इमेजिन कर लो कि आपके पास एक थ्रेड ऑफ बॉल्स है, इसी तरह से एक दूसरा थ्रेड ऑफ बॉल्स है, तो आपने इन दो थ्रेड्स को ट्वर्ल कर दिया, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ट्वर्ल कर देंगे तो देखो कैसा स्ट्रक्चर बनने वाला है। सो वी विल गेट समवॉट लाइक दिस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर समवॉट लाइक दिस। ये एक थ्रेड है, राइट, दिस इज वन थ्रेड, वन फिलामेंट, एंड इसी तरह से हमारे पास दूसरा फिलामेंट आ गया। ऐसे ही बनेगा जब हम इन दोनों को ट्वर्ल करेंगे। सो दिस इज सेकेंड फिलामेंट, क्लियर हो रहा है। और इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है? इनके ऊपर प्रेजेंट है हमारे मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। तो देखो यहाँ पे मायोसिन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। सो ये हो गई हमारी मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। अब देखो,
अगर ये मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऐसे ही एक्सपोज्ड रहेंगी, ठीक है, और उधर से एक्टिन, ये एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स है, जब हम मायोसिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट्स होंगी, ये दोनों ही अगर ऐसे एक्सपोज रही तो हमारी मसल्स ये आपस में इंट्रैक्ट करेंगी। इनके इंट्रैक्शन का मतलब क्या है? मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हमारी बॉडी अकड़ी रहेगी। तो सोचो, मसल्स हर वक्त कॉन्ट्रैक्शन में रहेंगी तो हमारी बॉडी अकड़ी रहेगी, राइट? वी डोंट वॉन्ट दैट। सो इसका मतलब जब तक मसल कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, इन मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को कवर करके रखना जरूरी है, राइट? तो इनको कवर करने के लिए एक टेप की तरह एक दूसरा प्रोटीन आने वाला है, और वो प्रोटीन का नाम है ट्रोपोमायोसिन। क्लियर? उससे पहले देखो, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स किसके ऊपर है? एक्टिन के ऊपर, एंड वी हैव टू फिलामेंट्स ऑफ एक्टिन। अब हम बात कर रहे हैं थिन मायोफिलामेंट कैसे बनेगा। थिन मायोफिलामेंट तीन प्रोटीन्स को जोड़ के बनना है, एक्टिन, ठीक है। एक्टिन के कितने फिलामेंट्स हैं? दो फिलामेंट्स, ठीक है। अब दूसरा प्रोटीन आने वाला है ट्रोपोमायोसिन, टेप की तरह, ठीक है, उसको टेप मान लो, जो टेप इन मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को कवर करके रखेगी जब तक हमें कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है। नाउ सी, लेट्स कलर इट विद अ डिफरेंट पेन। नाउ सी, ये एक टेप है, ठीक है, लेट्स कंसिडर दिस इज अनदर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन, टेप की तरह इन मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को कवर कर रहा है। अब देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर रही हूँ, गड़बड़ ये कर रही हूँ कि मैं तुम्हें समझाने के लिए इसको टेप की तरह एक्चुअली बना रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज ऐसा टेप जैसा फ्लैट प्रोटीन नहीं होता, ये भी बिल्कुल ऐसे ही गोल गोल से प्रोटीन्स होंगे। क्लियर? आई शो यू द रियल स्ट्रक्चर। और ऐसे ऊपर की तरफ प्रेजेंट नहीं होता, ये ग्रूव्स में से पास करता है। वी विल सी द रियल स्ट्रक्चर, बट थोड़ा सा समझने के लिए हम एक दिमाग में पिक्चर बना रहे हैं कि एक्टिन, एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स, और उन मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को किसने कवर किया है? एक दूसरे प्रोटीन ने, टेप की तरह, ठीक है, उसको कवर कर लिया है। एंड दैट सेकेंड प्रोटीन इज नोन एज ट्रोपोमायोसिन। और ये ट्रोपोमायोसिन के भी दो फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, टू फिलामेंट्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन। आई रिमेंबर मैंने तुम्हें पिछली क्लास में भी बताया था कि दो फिलामेंट्स के, दो फिलामेंट्स के, राइट? ना सी, इसी तरह यहाँ पे भी ये दूसरी टेप आ गई, ठीक है। तो उसने मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को अच्छी तरह से कवर कर रखा है। क्लियर? ये बेसिकली इन ग्रूव्स के बीच में से जाएगा। क्लियर? बट जस्ट टू मेक अ क्लियर पिक्चर इन आर हेड, वी आर यूजिंग दिस डायग्राम। क्लियर? ना सी, देन वी हैव अ थर्ड प्रोटीन, एंड दिस थर्ड प्रोटीन इज नोन एज ट्रोपोनिन। क्लियर? सो फर्स्ट प्रोटीन हमारा हो गया, देखो, फर्स्ट प्रोटीन एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन टेप जैसा प्रोटीन है, और ये टेप है जिसने कि एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को कवर करके रखा है, और अब ये ट्रोपोनिन है। अब ट्रोपोनिन देखते हैं। सो देखो, ट्रोपोनिन के तीन तीन सब यूनिट्स होते हैं, ये तीन तीन सब यूनिट्स मिलके बना रहे हैं आपका एक ट्रोपोनिन। क्लियर? कलेक्टिवली दिस वन विल बी नोन एज ट्रोपोनिन। इसके तीन सब यूनिट्स हैं, आई विल टेल यू कि ये सब यूनिट्स क्या क्या होते हैं। सो ये ट्रोपोनिन रेगुलर इंटरवल्स पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑन द टेप लाइक स्ट्रक्चर, टेप लाइक प्रोटीन। टेप कौन सी है हमारी? ट्रोपोमायोसिन। तो उस ट्रोपोमायोसिन यानी टेप को पकड़ने के लिए, ऐसे समझ लो कि उस टेप को अच्छी तरह से पकड़ने के लिए हमारे पास तीसरा प्रोटीन है जिसका नाम है ट्रोपोनिन। इज दैट क्लियर? एंड एज वी कैन सी, इट हैज थ्री पार्ट्स, ठीक है, थ्री सब यूनिट्स। देखो, जो फर्स्ट सब यूनिट है, दिस इज नोन एज TPM। TP stands for troponin, M stands for tropomyosin। तो troponin का जो पार्ट इस टेप के साथ जुड़ा हुआ है, ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ा हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे? TPM। क्लियर? देन वी हैव दिस पार्ट, एंड दिस पार्ट इज नोन एज TPC। सी stands for कैल्शियम, क्योंकि यहां आके कैल्शियम ने बाइंड करना है, ठीक है। सो TPC stands for कैल्शियम बाइंडिंग साइट। सो यहां पे आके कैल्शियम बाइंड करेगा, कैल्शियम बाइंडिंग साइट, ठीक है। एंड दिस थर्ड पार्ट, दिस थर्ड सब यूनिट इज नोन एज TPI। आई stands for इनहिबिशन। क्लियर? नाउ इट इज दिस सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन विच इज एक्चुअली इनहिबिटिंग द इंटरेक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। देखो, कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक्टिन और मायोसिन की इंट्रैक्शन करवानी है, लेकिन जब तक वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं चाहिए तब तक ये टेप
उस एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को कवर करके रखेगी, और उस टेप को कौन पकड़ के रखेगा, ये ट्रोपोनिन। और एक्चुअली कौन सा पार्ट है, टीपीआई। तो आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिटरी इनहिबिशन, सो इट इज इनहिबिटिंग, ये रोक रहा है एक्टिन और मायोसिन की इंटरैक्शन को। इज इट क्लियर? सो आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिशन, इट इनहिबिट्स द बाइंडिंग ऑफ वॉट, एक्टिन एंड मायोसिन। इज इट क्लियर? इट इनहिबिट्स द बाइंडिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। क्लियर? अभी हम और जब डिटेल में देखेंगे स्ट्रक्चर को तो क्लियरली पता लग जाएगा कि ये कैसे उन दोनों की बाइंडिंग को रोक रहा था। सो आई होप दैट स्ट्रक्चर ऑफ थिन मायोफिलामेंट इज क्लियर। देखो, जो मेन प्रोटीन है दैट इज एक्टिन, ये है एक एक्टिन, मोनोमर है। लेकिन मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में वो पॉलीमराइज हो गया, एक थ्रेड बना, दूसरा थ्रेड बना, दोनों को हमने ट्वर्ल कर दिया। तो दिस ब्लू थिंग रिप्रेजेंट्स योर एक्टिन के दो फिलामेंट्स। क्लियर? एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स होंगी, जिनको कि नॉर्मली कवर करके कौन सा रखेगा, कौन सा प्रोटीन है, ट्रोपोमायोसिन। सो दिस ट्रोपोमायोसिन इज लाइक अ टेप जो कि मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को कवर करेगा, और उस टेप को कौन पकड़ के रखता है, तीसरा प्रोटीन दैट इज ट्रोपोनिन। और इस ट्रोपोनिन के तीन सब यूनिट्स हैं, टीपीएम, टीपीएम स्टैंड्स फॉर, एम स्टैंड्स फॉर ट्रोपोमायोसिन। ठीक है? सो इट बाइंड्स टू द टेप दैट इज ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोनिन का जो पार्ट ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच्ड है, दिस इज नोन एज टीपीएम। सी के साथ आके कैल्शियम बाइंड करेगा, और आई के, आई जो है वो बेसिकली एक्टिन की मायोसिन के साथ इंट्रैक्शन को इनहिबिट कर रहा है। इज इट क्लियर? नाउ वी विल सी कि कैसे कैल्शियम जब आएगा तो इनमें चेंजेस आएंगे, ये टेप कैसे हटेगी। सो वो सारी चीजें हम देखेंगे इन द प्रोग्रेस ऑफ द लेक्चर। इज इट क्लियर? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थिन मायोफिलामेंट। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ थिक मायोफिलामेंट। लेट्स सी। देखो, जो थिक मायोफिलामेंट है वो किसका बना हुआ है, वो बना हुआ है हमारे प्रोटीन मायोसिन का। और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जो मायोसिन है वो एक पॉलीमर है, ठीक है? और ये पॉलीमर प्रोटीन बना होगा अगेन मोनोमेरिक प्रोटीन्स का, ठीक है? तो लेट्स सी कि वो मोनोमेरिक यूनिट्स कौन से। सो मोनोमेरिक यूनिट्स लुक समवॉट लाइक दिस स्नेक लाइक स्ट्रक्चर। ये है एक मोनोमेरिक यूनिट, एंड दिस मोनोमेरिक यूनिट इज नोन एज मीरोमायोसिन। दिस इज नोन एज मीरोमायोसिन। क्लियर? और ऐसे ऐसे अराउंड 300 से 400 यूनिट्स जुड़ते हैं तो जाके बनता है हमारा मायोसिन। इज इट क्लियर? सो मीरोमायोसिन इज द पॉलीमर, सॉरी इट इज द मोनोमर ऑफ मायोसिन। मायोसिन इज अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। क्लियर? नाउ सी, इस स्नेक लाइक स्ट्रक्चर में देखो कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से आने वाले हैं। सो सबसे पहले ये यहां से लेके यहां तक, दिस इज द टेल रीजन, इसको क्या कहेंगे, टेल कहेंगे। क्लियर? यहां से यहां तक का जो पार्ट है दिस इज नोन एज आर्म। क्लियर? और ये जो मोटा सा ऊपर मैंने बनाया जो ग्लोबुलर हेड है, दिस इज हेड, एंड हेड इज ग्लोबुलर। ग्लोबुलर मीन्स जो स्फेरिकल सा हो, जो गोल हो, वो ग्लोबुलर है। So, तीन पार्ट्स हो गए इस मीरोमायोसिन के, ठीक है? नाउ टेल इज ऑल्सो नोन एज लाइट मीरोमायोसिन, इसको क्या कहेंगे, लाइट मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन। और जो आर्म और हेड है इन दोनों को मिला के हम बोल देते हैं हैवी मीरोमायोसिन। इज इट क्लियर? सो बेसिकली मीरोमायोसिन के दो कॉम्पोनेंट्स है, मीरोमायोसिन के दो कॉम्पोनेंट्स है, कौन कौन से, एक हो गया लाइट मीरोमायोसिन LMM, राइट, दिस इज LMM लाइट मीरोमायोसिन, और दूसरा कंपोनेंट इसका क्या हो गया, हैवी मीरोमायोसिन HMM, दिस इज HMM। इज इट क्लियर? तो HMM में के HMM इज फॉर्मड ऑफ आर्म एंड अ ग्लोबुलर हेड। क्लियर है? अब ऐसे बहुत सारे यूनिट्स, ऐसे कितने, अराउंड 300 से 400 यूनिट्स जुड़ के बना देंगे हमारा थिक मायोफिलामेंट। तो देखो वो कैसे आपस में इंटरट्वींड होते हैं। तो जो सेकंड यूनिट होगा वो कुछ इस तरह से जाएगा, राइट, इस तरह से आपस में इंटरट्वॉल होते जाएंगे, और इनका हेड दूसरे का हेड इस तरह से नीचे की तरफ होगा।
सो अगर ये थिक मायोफिलामेंट है तो उनके हेड्स इस तरह से हर डायरेक्शन में निकले होते हैं. इज दैट क्लियर? ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर थिक मायोफिलामेंट. नाउ सी, जो हेड है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है. इसके हेड के ऊपर दो साइड्स होती हैं. देखो, जैसे एक्टिन के ऊपर मायोसिन के साथ बाइंडिंग साइट है, ऐसे ये मीरोमायोसिन के ऊपर यानी मायोसिन के हेड के ऊपर प्रेजेंट होंगी कौन सी साइट्स? ऑब्वियसली एक्टिन के साथ बाइंडिंग साइट. तो यहाँ पे दो साइट्स हैं, ये ऊपर अपने एक्टिन के साथ बाइंड करेगी. सो दिस इज नोन एज एक्टिन बाइंडिंग साइट, नोन एज एक्टिन बाइंडिंग साइट. इज दैट क्लियर? मायोसिन के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन के ऊपर हमने क्या पढ़ी थी? मायोसिन बाइंडिंग साइट. क्लियर है? उल्टा चलेगा. ठीक है, अब दूसरा इसके ऊपर जो साइट अवेलेबल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरी जो इसके हेड के ऊपर साइट है, दिस साइट इज फॉर द बाइंडिंग ऑफ एटीपी. देखो, एटीपी के बगैर तो कुछ नहीं होना. इफ देर बी नो एटीपी, देर बी नो लाइफ. तो हर काम करने के लिए हमें चाहिए एटीपी. ठीक है, तो एटीपी, एटीपी बाइंडिंग साइट, तो यहां पे आके एटीपी बाइंड होता है. काम सिर्फ एटीपी के साथ नहीं होता, एटीपी का टूटना जरूरी है, क्योंकि एनर्जी तो एटीपी के टूटने पे रिलीज होगी. राइट, सो वी विल सी कि कैसे एटीपी आके यहां पे टूटेगा. सो दो क्वेश्चंस रेडी, क्लियर? वन कि इसके ऊपर देखो कौन सी साइड्स हैं, हेड के ऊपर कौन सी दो साइड्स हैं, वन इज एक्टिन बाइंडिंग साइट्स एंड सेकंड इज एटीपी बाइंडिंग साइट. अब एटीपी ने टूटना है यहाँ पे आके, एटीपी के ब्रेक डाउन के लिए, एटीपी के ब्रेक डाउन के लिए जो एंजाइम चाहिए, दैट इज एटीपीएज. दैट एंजाइम इज नोन एज एटीपीएज. तो अब एटीपी बाइंडिंग साइट पे बेसिकली होता क्या है, वो एंजाइम प्रेजेंट होता है, एटीपीएज एक्टिविटी होनी है, एटीपीएज आके अपना काम करेगा, एटीपी को तोड़ेगा. इज दैट क्लियर? कैसे टूटेगा, क्या होगा, वी विल सी स्टेप बाय स्टेप. तो अभी तक दो चीजें क्लियर हो गई. ठीक है, कि कौन, देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सो सी, कौन कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन. ठीक है, कंट्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? इन दोनों की इंट्रैक्शन. इन दोनों की इंट्रैक्शन होगी तो क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन होगी. क्लियर? अब जब तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवानी तो टेप की तरह ट्रोपोमायोसिन उसको कवर करके रखेगा. और एक्चुअली दोनों को किसने रोका हुआ है? टेप को कौन असल में पकड़ के रखता है? ट्रोपोनिन. क्लियर? ट्रोपोनिन में चेंजेस आएंगे तो टेप हटने वाली है. क्लियर? एंड दिस इज मायोसिन. क्लियर? थिक मायोफिलामेंट, हमने इनके स्ट्रक्चर्स भी देख लिए. थिन मायोफिलामेंट के अंदर तीन प्रोटीन्स हैं, दो फिलामेंट से हमारे पास एक्टिन के, दो फिलामेंट से हमारे पास ट्रोपोनिन के. क्लियर? एंड वी हैव ट्रोपोनिन जिसके तीन तीन सब यूनिट्स होते हैं. कौन कौन से? टीपीएम जो इस टेप के साथ जुड़ा हुआ है. ठीक है, द पार्ट ऑफ ट्रोपोनिन विच इज बाउंड टू ट्रोपोमायोसिन, दैट सब यूनिट इज नोन एज टीपीएम. अब जिसके साथ कैल्शियम आके बाइंड करेगा, दैट पार्ट इज नोन एज टीपीसी. और जो एक्चुअली एक्टिन और मायोसिन की इंटरेक्शन को इनहिबिट कर रहा है, दैट पार्ट इज नोन एज टीपीआई. आई स्टैंड फॉर इनहिबिशन. क्लियर है सर? वी हैव ऑल्सो सीन कि जो हमारा थिक मायोफिलामेंट है वो किसका मेन बना हुआ है? मायोसिन का बना है. एंड मायोसिन इज अ पॉलीमर. और उसके बेसिक यूनिट्स क्या है? मोनोमेरिक यूनिट्स क्या है? मीरोमायोसिन. क्लियर? और मीरोमायोसिन के हेड के ऊपर दो साइट्स प्रेजेंट है गाइस, वन इज एक्टिन बाइंडिंग साइट एंड सेकेंड इज एटीपी बाइंडिंग साइट. क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो अब ये देखो कैसे प्रेजेंट होते हैं, लेट्स सी. सो बेसिकली एक बार जल्दी से हम ये ड्रॉ कर लेंगे. ऑल राइट, सो देखो हमारे पास ये हमारा थिन मायोफिलामेंट है, उसका एक्टिन पार्ट ये वन फिलामेंट, ये ड्रॉ करना आना चाहिए आपको. ठीक है, कैसे ड्रॉ हो रहा है ये भी देख लो. उसके बाद हमारा ये दूसरा फिलामेंट हो गया. क्लियर? और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? मायोसिन बाइंडिंग साइट्स. और उन मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को कवर किसने किया हुआ है? इस ग्रूव में से निकलता हुआ हमारा टेप जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, टेप जैसा प्रोटीन विच इज नोन एज ट्रोपोमायोसिन. ठीक है, और ये दूसरा फिलामेंट है ट्रोपोमायोसिन का, इसने भी मायोसिन बाइंडिंग्स को कवर कर रखा है. क्लियर? और इस टेप को किसने पकड़ के रखा है? तीसरे प्रोटीन ने, दैट इज ट्रोपोनिन, जिसके तीन तीन सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स. इज दैट क्लियर? अब और क्या होना है? अब नीचे की तरफ प्रेजेंट है
देखो ये हमारा थिन फिलामेंट हो गया, क्लियर। और अब यहां पे प्रेजेंट है हमारा ये स्नेक लाइक मीरोमायोसिन, ये मीरोमायोसिन। ऐसे एक फिलामेंट, ऐसे ही दूसरा फिलामेंट, ये मीरोमायोसिन का इस तरह से प्रेजेंट होगा, क्लियर। ठीक है, और ऐसे 300 से 400 यूनिट्स मिलके बना देंगे हमारा थिक मायोसिन, थिक मायोफिलामेंट, एंड दिस इज गोइंग टू फॉर्म योर थिन मायोफिलामेंट। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, चलो। सो नाउ लेट्स सी हाउ दे आर गोइंग टू, हाउ दे आर गोइंग टू इंटरैक्ट एंड विच इज गोइंग टू लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन। ऑल सेट फॉर इट? करें अब शुरू। नाउ सी, सबसे पहले गाइस देखो क्या होगा। सबसे पहले होगा देखो, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में मसल फाइबर, मसल सेल, राइट, जहां एक्चुअली न्यूरॉन मैसेज लेके आ रही है। तो देखो कैसा स्ट्रक्चर था वो, इसको कर देते हैं जरा रब, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे वो जरा ड्रॉ कर ले। लेट्स सी, सो यस, सो हियर वी आर गोइंग टू ड्रॉ दैट फाइबर, मसल फाइबर। ये आपका सार्कोलेमा, सार्कोलेमा अंदर इन्वेजिनेट हुई, क्या बना था, टी ट्यूब्यूल्स, रिवाइज हो रहा है सारा। और ये टी ट्यूब्यूल्स, ये देखो ये टी ट्यूब्यूल्स सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ है, रिमेंबर। और दो टी ट्यूब्यूल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, दो टी ट्यूब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SCR, राइट। और हमने ये भी देखा था कि SCR इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन्स, इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन्स, क्लियर। और मैसेज कौन लेके आ रहा है, मैसेज कौन लेके आ रहा है, मैसेज लेके आ रही है हमारी मोटर न्यूरॉन। जो भी न्यूरॉन मैसेज लेके आती है दैट इज मोटर न्यूरॉन, ठीक है। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज लेके आएगी मोटर न्यूरॉन, क्लियर। और इसको क्या बोला था, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट, क्लियर। और सार्कोलेमा के ऊपर गाइज और क्या प्रेजेंट होता है, एसिटाइल कोलीन को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स, ये थे हमारे ACH रिसेप्टर्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, इम्पल्स आई, किसके साथ आई है, मोटर न्यूरॉन के साथ, ठीक है। मोटर न्यूरॉन से मैसेज आया तो किसकी फॉर्म में आएगा, एसिटाइल कोलीन। तो यहाँ पे जो ACH प्रेजेंट है वो ACH यहाँ साइनेप्टिक क्लेफ्ट, द स्पेस इज नोन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट, स्पेस को क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनाप्स का मतलब होता है क्लोज जंक्शन और क्लेफ्ट का मतलब होता है गैप। तो उस गैप के बीच में क्या प्रेजेंट है, ये गैप में क्या रिलीज हो गया, ACH। किसके साथ बाइंड हो गया, ACH रिसेप्टर्स के साथ। ACH रिसेप्टर्स के साथ एसिटाइल कोलीन के बाइंड करने का मतलब इम्पल्स कहाँ पहुंच गई है, हमारी मसल फाइबर पे। मसल फाइबर पे जैसे ही इम्पल्स पहुंचती है तो उसको अंदर कौन लेके जाएगा, आपका टी ट्यूब्यूल, ये टी ट्यूब्यूल मैसेज लेके जाएगा। और टी ट्यूब्यूल उसको कहाँ पास कर देता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, ठीक है। जैसे ही इम्पल्स पहुंचती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, ये अपने कैल्शियम चैनल्स ओपन कर देगा और यहां से कैल्शियम बाहर आना शुरू हो जाता है, ये कैल्शियम बाहर आना शुरू हो जाएगा। बाहर आने को क्या बोलेंगे, ई फ्लक्स ऑफ कैल्शियम, इतना क्लियर है, ठीक है। और अब ये कैल्शियम जाके कहाँ बाइंड करने वाला है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट ऑफ ट्रोपोनिम। ये जो कैल्शियम निकला है ये कहाँ बाइंड करेगा, ये TPC के साथ यहाँ पे जाके बाइंड करेगा, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं, एंड वी विल सी इट विद द हेल्प ऑफ नाउ एनिमेशंस। सो लेट्स अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। देखो उस दिन में हमने कहा था कि जो सार्कोमियर के अंदर फिलामेंट्स प्रेजेंट है और ये फिलामेंट्स स्लाइड करते हैं, ठीक है। फिलामेंट्स का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, अब हम ये देखेंगे कि फिलामेंट्स स्लाइड क्यों करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि अराइवल ऑफ इम्पल्स हो चुका है, अराइवल ऑफ इम्पल्स हो चुका है बाय मोटर न्यूरॉन, क्लियर। सो अब ये इम्पल्सिस आने के बाद देखो स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन इज अराइवल ऑफ इम्पल्स एट न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, क्लियर। फ्लो चार्ट बनाते जाओगे ताकि जो पैराग्राफ लिखा हुआ है NCERT में वो हमें बहुत इजीली समझ में आए। सेकंड, फ्लो चार्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको क्वेश्चंस आते हैं कि ये स्टेप्स दिए हुए हैं उनको क्विकली अरेंज करो इन द करेक्ट ऑर्डर, तो यू मस्ट नो द ऑर्डर, क्लियर। सो लेट्स मेक दिस फ्लो चार्ट साइड बाय साइड। आपको बार बार बोल चुकी हूँ सिर्फ NCERT और एक दो शीट्स चाहिए हमें नोट्स बनाने के लिए। अराइवल ऑफ इम्पल्स ऑन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट, ठीक है, मोटर एंड प्लेट।
क्लियर। दूसरा क्या होगा, उसको अंदर कौन लेके जाएगा, ट्रांसमिशन होगी उस इम्पल्स की, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स बाय टी टिब्यूल्स, ठीक है। और टी टिब्यूल्स के इम्पल्स लेके जाने के बाद टी टिब्यूल्स किसको कंडक्ट करेंगी, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स टू सार्कोमियर, सार्कोमियर का सॉरी कंडक्शन ऑफ इम्पल्स टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स टू सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ठीक है। और जब इसको मैसेज पहुंचा तो ये क्या करने वाला है, कैल्शियम चैनल्स ओपन कर देगा, कैल्शियम चैनल्स ऑफ SER ओपन, राइट। और कैल्शियम बाहर आ जाएगा, कैल्शियम के बाहर आने को क्या कहेंगे, ई फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन्स अकर। कहाँ पे, जब वो SER से बाहर आया तो बाहर आसपास क्या था, सार्कोप्लाज्म था। सो ई फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन्स अकर इन सार्कोप्लाज्म, और इसी सार्कोप्लाज्म में पड़े हुए हैं हमारे फिलामेंट्स थिक और थिन, क्लियर। नाउ सी, लेट्स सी इट विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। तो सबसे पहला स्टेप, अराइवल ऑफ इम्पल्स, कौन लेके आ रहा है, कौन सी न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है। कहाँ पे आ रहा है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। सो कैन वी सी इट हियर, सो ये आपका स्केलेटल मसल सेल है, सेल को ही हम क्या बोलते हैं, फाइबर, ठीक है। और ये देखो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, और ये ब्राइट ब्राइट सा जो आ रहा है, दिस इज द अराइवल ऑफ इम्पल्स, अराइवल ऑफ इम्पल्स, क्लियर। स्टेप नंबर टू, इस इम्पल्स को क्विकली ट्रांसमिट कौन करेगा, टी टिब्यूल्स, ट्रांसवर्स टिब्यूल्स। सो कैन यू सी इट हियर, सो गाइज ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपकी सार्कोलेमा, ठीक है। सार्कोलेमा के ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज टी टिब्यूल्स, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज टी टिब्यूल्स, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज टी टिब्यूल्स, इज इट क्लियर, डन। और ये टी टिब्यूल से इम्पल्स कैसे अंदर जा रही है, कैन यू सी दिस ब्राइट येलो कलर्ड दिस थिंग रेप्रेजेंट, जो कीड़े जैसी लग रही है, ये इम्पल्स आ रही है और इसको टी टिब्यूल्स अंदर तक लेके जा रहे हैं, क्विकली ट्रांसमिट करेंगे उसको डीप इन टू द मसल, क्लियर। ना सी, इन दिस वन फिगर वी हैव समराइज एवरीथिंग। तो इस यहां पे ये हमारी न्यूरॉन, ठीक है, मोटर न्यूरॉन, ये मोटर एंड प्लेट, एंड सी दीज आर एसिटाइल कोलीन न्यूरो ट्रांसमिटर्स, और ये एसिटाइल कोलीन गेटेड चैनल्स, छोड़ दो ये हमें नहीं करने। तो ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं किसके ऊपर, हमारी सार्कोलेमा के ऊपर। सो दिस इज ऑल सार्कोलेमा, सार्कोलेमा के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, ये सार्कोलेमा अंदर जा रही है खुद, फॉर्मिंग द टी टिब्यूल्स, और टी टिब्यूल्स के आसपास क्या प्रेजेंट होंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, एंड एज वी कैन सी इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन्स, इट हैज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कैल्शियम आयन्स, कैल्शियम आयन्स, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कैल्शियम आयन्स पड़े हैं, इज दैट क्लियर। अब जैसे ही इम्पल्स, नाउ सी द अराइवल ऑफ इम्पल्स इज शोन हियर, सो जैसे ही इम्पल्स आई, इम्पल्स आ रही है, इम्पल्स स्प्रेड हो रही है ऑल अलोंग द सार्कोलेमा, ठीक है, और सार्कोलेमा खुद अंदर जा रही है इन द फॉर्म ऑफ टी टिब्यूल इम्पल्स को लेके, और ये सार्कोलेमा इम्पल्स को कहाँ ट्रांसमिट कर देगी, टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ही मैसेज पहुंचता है टू द SER, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो कैल्शियम आयन्स बाहर आने शुरू हो जाएंगे, सी हियर, सो कैल्शियम आयन्स बाहर आने शुरू हो जाते हैं, कहाँ पे, इन द सार्कोप्लाज्म। सो एवरीथिंग हियर, दिस इज ऑल सार्कोप्लाज्म, और उस सार्कोप्लाज्म में पड़े हुए हैं आपके थिन फिलामेंट्स एंड थिक मायोफिलामेंट्स, ये उसका हेड शो किया हुआ है, इज दैट क्लियर, ठीक है। और अब ये कैल्शियम जाके किसके साथ बाइंड करेगा, आपके ट्रोपोनिन के साथ, इज दैट क्लियर। अब देखो जब ट्रोपोनिन के साथ ये बाइंड करता है, बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम टू द ट्रोपोनिन, तो क्या होना है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली। सो ये देखो, ये हमारा थिन फिलामेंट था, ठीक है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स, लेकिन इन मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को कौन से प्रोटीन ने कवर किया था, याद करो जल्दी से, इन मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को किसने कवर किया हुआ है, कौन से प्रोटीन ने कवर किया हुआ है, टेप की तरह ट्रोपोमायोसिन ने,
राइट right? तो यहाँ पे ये टेप प्रेजेंट है, ये टेप प्रेजेंट है, ये टेप को किसने पकड़ा हुआ है? टेप के भी दो फिलामेंट्स हैं ट्रोपोमायोसिन के, राइट right? इस टेप को कौन से तीसरे प्रोटीन ने पकड़ा हुआ है? जल्दी से सोचो। इट इज हेल्ड फर्मली बाय थर्ड प्रोटीन दैट इज कॉल्ड ट्रोपोनिन, इज इट क्लियर? विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स, स्प्रेड एट रेगुलर इंटरवल्स, क्लियर? अब देखो ये पार्ट क्या था, टीपीएम, क्लियर, जो कि इस टेप के साथ जुड़ा हुआ है। नाउ दिस पार्ट इज नोन एज टीपीसी, ठीक है, दिस पार्ट इज नोन एज टीपीसी, जहां पे आके कैल्शियम ने बाइंड करना है। देखो जब कैल्शियम का इफ्लक्स हुआ तो वो कैल्शियम आके बाइंड करेगा इसके साथ, ठीक है। जब कैल्शियम टीपीसी के साथ बाइंड करता है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो नया कंपाउंड बनेगा उसका स्ट्रक्चर, उसकी कंफर्मेशन डिफरेंट होगी, राइट right? तो जैसे ही कैल्शियम इसके साथ बाइंड करता है ना, सी ये जो थर्ड सब यूनिट था दैट वाज टीपीआई, जिसने कि इनहिबिट किया हुआ था, जैसे ही कैल्शियम इसके साथ बाइंड होगा, ये टीपीआई यहां से खिसक के अब ये पहुंच जाएगा यहां पे। नाउ सी व्हाट विल हैपन, ये जो हमारा टीपी, हमारे जो टेप ही हट गए, चलो टेप को दोबारा लगा देते हैं, जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है टीपीआई, ये टीपीआई जो है, ये टीपीआई स्लाइड्स डाउनवर्ड, ये यहां से स्लाइड करके आ गया है यहां पे। बात समझ में आई है? फर्स्ट क्या हुआ, कैल्शियम आके बाइंड हुआ टीपीसी के साथ, जैसे टीपीसी के साथ कैल्शियम बाइंड हुआ है, देयर इज अ चेंज इन द स्ट्रक्चर, देयर इज अ चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड टीपीआई विल स्लाइड डाउनवर्ड्स, दिस टीपीआई स्लाइड्स डाउनवर्ड, तो ये आ गया यहां पे, ठीक है। तो सारे के सारे जो टीपीआई है ये नीचे की तरफ स्लाइड हो जाएंगे, ये नीचे की तरफ स्लाइड हो जाएंगे, यहां नहीं रहेंगे, क्लियर? क्या होगा, तो टीपीआई ने पकड़ा हुआ था, बेसिकली टीपीआई इनहिबिट कर रहा था एक्टिन और मायोसिन के इंट्रैक्शन को, ठीक है। जैसे टीपीआई स्लाइड्स डाउनवर्ड, ये टेप भी स्लाइड कर जाएगी, ठीक है, और टेप के स्लाइड करने से ही जो इसके ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट है, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज हो जाएंगी। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम टू टीपीसी, वॉट विल हैपन नेक्स्ट, TPI slides downward या rolls downward, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी टेप भी स्लाइड करेगी, सो विच लीड्स टू द स्लाइडिंग ऑफ ट्रोपोमायोसिन। सो ट्रोपोमायोसिन विच वॉज अर्लियर कवरिंग द मायोसिन बाइंडिंग साइट, इट एक्सपोज, ट्रोपोमायोसिन मूव्स अवे एंड वॉट विल हैपन, दिस will expose the myosin binding sites, myosin binding sites on actin get exposed, are exposed, is that clear? तो जो thin filament के ऊपर myosin binding sites, यानी actin के ऊपर myosin binding sites हैं, वो expose हो गए हैं, हमारा thin myofilament is all ready for contraction, is that clear? थिन मायोफिलामेंट रेडी हो गया है, क्योंकि उसके ऊपर जो एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं वो अब ओपन हो गई हैं, दे आर रेडी टू रिसीव मायोसिन नाउ, क्लियर। अब जब ये सब कुछ चल रहा था, साथ ही साथ देखो क्या हो रहा था, साथ ही साथ ये हो रहा है कि जो आपका मायोसिन है, जो आपका मीरो मायोसिन है, लेट्स ड्रॉ दिस अगेन, देखो ये जो हमारा मीरो मायोसिन है, ठीक है, आई लव ड्रॉइंग द स्नेक, नाउ सी ये जो आपका मीरो मायोसिन है, इस मीरो मायोसिन के हेड के ऊपर, इस हेड के ऊपर दो साइट्स प्रेजेंट है, रिमेंबर दो साइट्स कौन से थी, यहां पे एटीपी बाइंडिंग साइट थी, ठीक है। तो ये जो एटीपी बाइंडिंग साइट है, ये जो एटीपी बाइंडिंग साइट है, इसी तरह से यहां पे भी एटीपी बाइंडिंग साइट जो होगी, यहां आके एटीपी बाइंड कर जाता है, सो इट हैज एटीपी बाइंडिंग साइट। तो क्या होना है, जब वहां पे थिन मायोफिलामेंट के साथ कैल्शियम बाइंड हो रहा है, साथ ही साथ इसके साथ एटीपी बाइंड हो रहा है, ठीक है। नाउ सी जब एटीपी यहां पे बाइंड हो रहा है, सो होना क्या है, एटीपी के बाइंड होने का मतलब यहां आके एटीपी बाइंड हुआ, तो जब एटीपी यहां पे बाइंड हुआ तो इस बाइंडिंग साइट के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एटीपीएज, राइट, एटीपीएज वो एंजाइम है जो एटीपी को तोड़ता है। नाउ सी व्हाट विल हैपन, एटीपी टूटेगा,
एटीपी विल ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ एटीपीएज राइट एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एडीपी प्लस आईपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी और यही एनर्जी हेल्प करेगी मसल कॉन्ट्रैक्शन में. सो दिस रिएक्शन इज अकरिंग वेयर एट दिस एटीपी बाइंडिंग साइट. ठीक है, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन टू अकर. मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जितनी तुम्हें एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है. इज दैट क्लियर? सो सी एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज ब्रेकिंग डाउन. ठीक है, कौन तोड़ रहा है? मायोसिन एटीपीएस. मायोसिन इसलिए क्योंकि वो मायोसिन के ऊपर प्रेजेंट है, अदरवाइज एटीपीएस इज जस्ट एनी अदर एटीपीएस जो कहीं पे भी आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. क्लियर? सो दिस एटीपीएस विल ब्रेक डाउन एटीपी और ये हमेशा वाटर के प्रेजेंस में टूटता है, इसलिए रिएक्शन को हम बोलेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ. हाइड्रो मींस वाटर की प्रेजेंस में लाइसिस हो रहा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी. और ये कहां पे हो रही है चीज? ये हो रही है एटीपी बाइंडिंग साइट पे, एटीपी बाइंडिंग साइट पे. इज दैट क्लियर टू ऑल? ये सबको क्लियर हुआ है? ठीक है, तो एटीपी आके टूट रहा है किस किस में? एडीपी, आईपी एंड एनर्जी. नाउ अंडरस्टैंड, एटीपी का टूटना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिन एंड मायोसिन की इंटरेक्शन. क्लियर? नाउ सी, जब एटीपी आके बाइंड हुआ, एटीपी आके बाइंड हुआ तो कुछ नहीं हुआ. एटीपी जब टूटा तब बहुत कुछ हुआ है. नाउ अंडरस्टैंड, लेट्स इमेजिन दिस इज द थिन मायोफिलामेंट. ठीक है, ऊपर आपका थिन मायोफिलामेंट प्रेजेंट है, मान लो कि यहाँ पे थिन मायोफिलामेंट है. ठीक है, और ये आपका थिक मायोफिलामेंट का आपका एक मीरोमायोसिन है. ठीक है, और ये मीरोमायोसिन है. ठीक है, ये क्या है? उसका हेड. ये क्या हो गया? उसका हेड. हेड के ऊपर दो साइड्स प्रेजेंट थी, एक ऊपर थिन फिलामेंट के साथ बाइंडिंग करने के लिए एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है और दूसरा एटीपी के बाइंडिंग साइट है. क्लियर हो गया? नाउ सी, एक्टिन सॉरी मीरोमायोसिन के हेड के ऊपर जब एटीपी आके बाइंड करता है, ठीक है, जब एटीपी बाइंड करता है और वो पानी की प्रेजेंस में टूटता है, क्या निकलेगा? एडीपी और आईपी एंड लॉट ऑफ एनर्जी. नाउ सी, जब हेड के ऊपर एटीपी आके बाइंड किया, टूटा, तो सबसे पहले क्या निकला? एडीपी. जब यहां से एडीपी निकल रहा है, द मूवमेंट ऑफ माय थंब इट शोज द रिमूवल ऑफ एडीपी. जब एडीपी यहां से निकला तो ये जो हेड है ये जाके स्ट्रांगली बाइंड हो जाता है थिन फिलामेंट के साथ. ठीक है, ये हेड जाके स्ट्रांगली बाइंड हो जाएगा. इस बाइंडिंग को हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन या एक्टिन और मायोसिन की इंटरेक्शन, एक्टोमायोसिन फॉर्मेशन. और क्योंकि ये इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग होती है तो वील ऑल्सो कॉल इट पावर स्ट्रोक. तीन चीजें समझ में? देखो, लेट्स सी इट विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन. कैन यू सी इट हियर? तो ये देखो, ये इसके हेड्स हैं, ये ग्लोबुलर हेड्स हैं. ठीक है, ये हेड्स किसके साथ बाइंड कर रहे हैं? थिन फिलामेंट के साथ. लेट्स सी इट, लेट्स मार्क इट हियर. सो लेट्स मार्क इट लाइक दिस. सो ये है आपका थिन मायोफिलामेंट, दिस इज थिन मायोफिलामेंट, और वो भी कौन सा? आपका एक्टिन, राइट? और कैन यू सी इसके ऊपर ये येलो कलर के जो स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर द बाइंडिंग साइट्स, दीज आर द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स. ये जो येलो कलर की चीजें हैं, वॉट आर दीज? दीज आर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑफ एक्टिन, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स. ठीक है, और ये क्या है? ये आपका मोटा फिलामेंट है, दिस इज द थिक मायोफिलामेंट, राइट? और थिक मायोफिलामेंट के साथ देखो 300 से 400 यूनिट्स मिलके बनाएंगे थिक मायोफिलामेंट. थिक मायोफिलामेंट को कौन बनाने वाले हैं? 300 से 400 यूनिट्स ऑफ मीरोमायोसिन. नाउ दिस इज द ग्लोबुलर हेड ऑफ मीरोमायोसिन, राइट? दिस इज द ग्लोबुलर हेड, दिस इज द ग्लोबुलर हेड, राइट? और ये ग्लोबुलर हेड किसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है? एक्टिन की मीरो सॉरी एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट्स के साथ. क्लियर हो रहा है? और ये कब कब इंटरैक्ट कर रहा है? जब एटीपी बाइंड हुआ? नो, एटीपी के बाइंड होने के बाद जब यहां से एडीपी निकला, जब एडीपी निकलता है तो ये हेड उसके साथ स्ट्रांगली बाइंड कर जाता है. दिस इज वन एंड दिस इज नोन एज क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन. ठीक है, ऑल्सो इट विल बी नोन एज पावर स्ट्रोक, क्योंकि बहुत पावरफुली, स्ट्रोक का मतलब होता है झटका, बहुत पावरफुली एक झटका लगता है एंड दोनों की इंटरेक्शन हो रही है. क्लियर? इट इज ऑल्सो नोन एज एक्टोमायोसिन फॉर्मेशन. एक्टो क्योंकि एक्टिन और मायोसिन की इंटरेक्शन हो रही है, एक्टोमायोसिन फॉर्मेशन. इज दैट क्लियर?
है, तो ये स्टेप क्लियर हो गया, कैल्शियम बाइंडिंग हुआ, तो हमारा थिन फिलामेंट रेडी हो चुका था। ठीक है, उसके ऊपर से देखो टेप टूप सब हट चुकी है, हमने सब हटा दिया, इतना हटता नहीं है वो, सिर्फ स्लाइड साइड पे होता है, बट हमने हटा दिया। क्लियर? और ये थिक फिलामेंट उसके साथ बाइंड हो रहा है, जब एटीपी टूटा, हाइड्रोलाइसिस हुआ और उसमें से एटीपी निकला, जब तक सिर्फ एटीपी आके जुड़ेगा कुछ नहीं होने वाला, उसका टूटना जरूरी है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्टेप, एडीपी निकला तो वो साथ स्ट्रांगली जुड़ गया। अब जब वहां से आईपी निकलेगा, यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा, तो ये हेड जो है ये पीछे मूव करने वाला है। नाउ सी, ये स्ट्रांगली बाइंड कर गया, अब जब यहां से आईपी निकलेगा तो ये जो हेड है ये पीछे की तरफ मूव करेगा। नाउ दिस बाइंडिंग अकर्स, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गई है। नाउ सी व्हाट विल हैपन, जब यहां से आईपी निकलेगा तो ये हेड पीछे जाएगा, ये हेड बैकवर्ड मूव करेगा। जब ये बैकवर्ड मूव करेगा तो इसके साथ थिन फिलामेंट भी आगे की तरफ जाएगा। तो जब बाइंड कर गया क्रॉस ब्रिज, जब आईपी निकला, नाउ दिस इज गोइंग टू मूव इनसाइड, मूव इनसाइड, तो थिन फिलामेंट इज गोइंग टू स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट। लेट्स सी हियर, तो कैन यू सी, दिस इज मायोसिन, दिस इज एक्टिन, राइट? एडीपी निकला था तो उसके साथ बाइंड किया, अब जब आईपी निकला तो इट स्लाइड्स बैकवर्ड, ये स्लाइड बैकवर्ड कर रहा है। देखो ये जुड़ता है जब एडीपी निकलता है, और जब वो आईपी निकलता है तो इट मूव्स बैकवर्ड। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जब वो बैकवर्ड मूव कर रहा है तो इट इज पुलिंग द थिन फिलामेंट ऑन द इनर साइड, ये इस साइड पे मूव कर रहा है, इस साइड पे मूव कर रहा है, तो थिन फिलामेंट इज स्लाइडिंग ओवर द थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर द थिक फिलामेंट। और हमने स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि थिक फिलामेंट जो है वो अपनी जगह पे रहता है, ए बैंड रिमेन सेम। ठीक है, ए बैंड किसका बना हुआ है, आपके थिक मायोफिलामेंट का, मायोसिन का। तो क्योंकि मायोसिन मूव नहीं करता, सिर्फ उसका हेड मूव करता है, क्लियर? सिर्फ उसका हेड इस तरह से मूव करेगा, बाकी इट विल रिमेन वेयर एवर इट इज, क्लियर? सो जब ये हेड मूव करेगा, इट इज गोइंग टू पुल द थिन फिलामेंट्स ऑन द इनर साइड। और इस तरह से करते करते देखो, मान लो कि यहाँ पे आपकी जेड लाइन है, ठीक है, तो जेड लाइन विल ऑल्सो मूव ऑन द इनर साइड, तो जेड लाइन विल कम हियर, तो सार्कोमियर क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट, इधर के इधर खींचेंगे, इधर के इधर खींचेंगे, योर थिन फिलामेंट इज गोइंग टू स्लाइड। ठीक है, स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट डज नॉट स्लाइड, थिक फिलामेंट डज नॉट स्लाइड। एंड सेकेंडली, फिलामेंट्स विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट, फिलामेंट से बना हुआ जो अरेंजमेंट है, जो सार्कोमियर है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसीलिए मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो थेरी है, उस थेरी का नाम क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट थेरी, इट इज नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट थेरी, बिकॉज फिलामेंट्स विल स्लाइड, एंड दैट थेरी वॉज गिवन बाय एच एफ हक्सले एंड ए एफ हक्सले। ठीक है, एच एफ हक्सले एंड ए एफ हक्सले, इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। सो देखो इस तरह से क्या हो रहा है कि जो थिन फिलामेंट्स हैं, दे आर स्लाइडिंग ओवर द थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट अपनी जगह पे बिल्कुल अपनी जगह पकड़ के बैठा हुआ है। सो यहां से यहां तक थिक फिलामेंट है, इट इज नॉट मूविंग, सिर्फ उसके हेड्स मूव कर रहे हैं, एंड दे आर पुलिंग द थिन फिलामेंट्स ऑन द इनर साइड, ये वाले इधर और ये वाले इधर। और देखो आपकी एच जोन जो थी, एच जोन यहां से लेके यहां तक थी, एंड इट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। समझ में आ रहा है, जेड लाइन्स आर कमिंग क्लोजर, एच जोन इज शॉर्टनिंग, आई बैंड इज ऑल्सो शॉर्टनिंग, वॉट रिमेन्स द सेम इज ए बैंड, इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, सो गाइज ये थी हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब मसल ने सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन में नहीं रहना, अल्टीमेटली इट विल रिलैक्स। ठीक है, तो अब रिलैक्सेशन में क्या होगा, देखो रिलैक्सेशन में नंबर वन, ऊपर से इंपल्स आनी बंद हो। ठीक है, सो स्टॉपेज ऑफ इम्पल्स, ठीक है, ऊपर से इम्पल्स आनी बंद हो, इम्पल्स आने का, इम्पल्स भी बंद हो गई, और जो ऑलरेडी वहां पे एसिटाइल कोलीन प्रेजेंट था ना, सी ये आपका मसल फाइबर, ठीक है, और यहाँ पे आपका SCR प्रेजेंट है, फाइन, और जिसके कैल्शियम बाहर आ चुका है, ठीक है, इन द सार्कोप्लाज्म, ये पहले हो चुका है, राइट? नाउ मसल रिलैक्सेशन के टाइम पे देखो क्या होगा, तो जो हमारी
न्यूरॉन मैसेज लेके आ रही थी, अब वो और एसिटाइलकोलीन रिलीज करना बंद करेगी, नो मोर एसिटाइलकोलीन। लेकिन जो पहले से एसिटाइलकोलीन रिलीज हो चुका है, यहाँ पे इस एसिटाइलकोलीन को यहाँ से हटाना होगा, इस एसिटाइलकोलीन को यहाँ से हटाना होगा, इन रिसेप्टर से एसिटाइलकोलीन को ख़त्म करना होगा। तो थोड़ी ही देर में क्या होता है कि इस एसिटाइलकोलीन को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम आता है। नाउ सी, देयर इज अराइवल ऑफ एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज, एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज, दिस इज द नेम ऑफ एंजाइम। नाम के पीछे एज आ गया तो एंजाइम होगा विदाउट एनी डाउट, ठीक है। सो दिस एंजाइम विल डाइजेस्ट, डाइजेस्ट का मतलब इट विल ब्रेक डाउन, इट डाइजेस्ट एसिटाइल कोलीन। तो जब एसिटाइल कोलीन को डाइजेस्ट कर दिया, मान लो कि दे आर लाइक सीजर्स, ठीक है, दे आर लाइक सीजर्स एंड दे विल ईट अवे एसिटाइल कोलीन। एसिटाइल कोलीन यहां से हट गया, एसिटाइल कोलीन हट गया और नीचे जो इम्पल्स जा रही थी वो इम्पल्स जानी बंद हो गई। जो कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आ रहा था, अब उस कैल्शियम को अंदर लेके जाया जाएगा, वापस अपनी जगह पे चलो। तो उसको अंदर लेके जाने के लिए वी हैव अनदर प्रोटीन, ये आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है लेकिन आपको सिर्फ बता रही हूँ कि देयर्स अ प्रोटीन, कैलसिक्वेस्ट्रिन नाम का प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन इस कैल्शियम को अंदर लेके जाएगा। इज इट क्लियर? चलो तुम अपनी जगह पे। तो ये कैल्सिक्वेस्ट्रिन को कैल्शियम वापस अंदर लेके जाएगा, क्या होगा, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम विल अकर। क्लियर? कैल्शियम जब अंदर जाएगा तो वो टीपीसी के साथ, याद है वो टीपीसी के साथ जो कैल्शियम जुड़ा हुआ था, ये देखो ये हमारी एक्टिन, ठीक है, और यहाँ पे जो टीपीसी, ये टीपीसी, ये सॉरी टीपीसी के साथ जो कैल्शियम जुड़ा था वो भी हट जाएगा। फाइन, जिसकी वजह से जो टीपीआई है वो वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। सो ये टीपीसी के साथ जो कैल्शियम बाइंड हुआ था और टीपीआई नीचे आया था, ये टीपीआई वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। सो टीपीआई जब वापस अपनी जगह पे चला गया तो वो टेप दोबारा से एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को कवर कर लेगी, राइट? तो सबसे पहले इम्पल्स आनी बंद हुई, एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज ने एसिटाइल कोलीन को हटाया, ठीक है। थर्ड, कैल्सिक्विस्ट्रिन कैल्शियम को अंदर लेके गया, यहां से कैल्शियम का रिमूवल हुआ तो टीपीआई, ये टीपीआई वापस अपनी जगह पे जाएगा, इट रोल्स बैकवर्ड, ठीक है। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, मायोसिन के ऊपर जो ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी हो चुका है, अब वहां पे एटीपी का दोबारा आना जरूरी है। नाउ अंडरस्टैंड, आई टोल्ड यू कॉन्ट्रैक्शन पे एटीपी का रोल नहीं है, एटीपी के टूटने का रोल है। तो एटीपी आके, जब एटीपी टूटता है तब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, पावर स्ट्रोक होगा, रिमेंबर? लेकिन अब रिलैक्सेशन करवानी है, तो अगर हम उस पावर स्ट्रोक को हटाना चाहते हैं, क्रॉस ब्रिज को ब्रेक करना चाहते हैं, तो हमें वापस उस हेड पे क्या लाना पड़ेगा, एटीपी। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जहां एटीपी का ब्रेकडाउन होता है, जहां उसका हाइड्रोलिसिस होता है, वैसे ही अब मसल रिलैक्सेशन के टाइम पे गाइस रीजनरेशन ऑफ एटीपी विल टेक प्लेस, रीजनरेशन ऑफ एटीपी विल अकर ड्यूरिंग मसल रिलैक्सेशन, ड्यूरिंग मसल रिलैक्सेशन। तो सारे काम अब ऑपोजिट चल रहे हैं, ठीक है। अब एटीपी रीजनरेट देखो कैसे हुआ। डू यू रिमेम्बर जब मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एटीपी टूटा था वाटर की प्रेजेंस में, तो क्या बना था, एडीपी प्लस आईपी एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी, राइट? अब ये जो एडीपी है ये कहाँ गया, ये यहां से निकला था, राइट? और पावर स्ट्रोक हुआ था, ये निकल के गया किसके पास, मसल के अंदर एक प्रोटीन होता है। नाउ अंडरस्टैंड, मसल के पास एक प्रोटीन है विच इज नोन एज फॉस्फोक्रिएटिनिन, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नोन एज फॉस्फोक्रिएटिनिन। ये एडीपी निकल के इसके पास गया था और उसको जाके बोलता है कि भाई अपना फॉस्फेट दे दे, ठीक है। ये एडीपी उससे फॉस्फेट लेके क्या बना देगा, दोबारा से ट्राई फॉस्फेट, एंड व्हाट विल बी लेफ्ट बिहाइंड,
क्रिएटिनिन, वी हैव रेड एक्सक्रीटरी सिस्टम, डू यू रिमेम्बर? एक्सक्रीशन में मैंने बताया था कि क्रिएटिनिन नाम के भी एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स बनते हैं. वो क्रिएटिनिन कहाँ से आया था? वो आपकी मसल से आया था इस दौरान. तो जब जब मसल रिलैक्स करती है, मसल रिलैक्सेशन के टाइम पे मसल का एक प्रोटीन टूटा है, ठीक है? इसीलिए कहते हैं कि एक्सरसाइज के बाद वी नीड टू टेक प्रोटीन. व्हाई डू वी नीड टू इनटेक प्रोटीन जस्ट आफ्टर द एक्सरसाइज? पहले नहीं खाना होता, उसके बाद खाना होता है. पहले हमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, राइट? क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी. एक्सरसाइज के इमिडिएटली बाद, विद इन 10 मिनट्स, हमें क्या लेना चाहिए? प्रोटीन लेना चाहिए, क्योंकि मसल का प्रोटीन टूटा है, फॉस्फो क्रिएटिनिन टूटा है. और ये क्रिएटिनिन, नाउ दिस इज अ वेस्ट, एक्सक्रीटरी वेस्ट जो किडनीज निकालती है. इज दैट क्लियर? जो हम पिछले चैप्टर में रिमूव कर चुके हैं. नसी, ये जो एटीपी ये बनेगा, ठीक है, ये जो एटीपी बनेगा, ये एटीपी जाके वापस उस हेड पे बाइंड होगा. तो इस तरह से आपका हेड, ठीक है, ये आपका थिन फिलामेंट था, ये आपका मीरोमायोसिन था. अब जब यहां पे आके एटीपी बाइंड हुआ, तो एटीपी के बाइंड करते ही ये डिटैच हो जाना है. सो एटीपी के टूटने पे जब एडीपी निकला था, तो वो जुड़ा था एक्टिन के साथ, ठीक है? अब जब वापस से हेड के ऊपर एटीपी आ जाएगा, ट्राइफॉस्फेट, तो वो उससे डिटैच हो जाएगा. तो मसल रिलैक्सेशन कब हो पाएगी? जब एटीपी का रीजनरेशन हो रहा है. नो, यहां से हमें समझ में आता है कि डेड बॉडी क्यों अकड़ जाती है. डेड बॉडी गोज इन अ परमानेंट स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज डेथ का मतलब क्या है? ऑल लाइफ प्रोसेसेस कम टू अ परमानेंट स्टॉपेज, हॉल्ट, राइट? तो डेथ के टाइम पे एटीपी रीजनरेशन नहीं होगा, एटीपी का रीजनरेशन नहीं होगा, तो ये एटीपी नहीं बनेगा, और एटीपी नहीं बनेगा तो मसल्स रिलैक्स नहीं होंगी. इसीलिए एट द टाइम ऑफ डेथ मसल्स गो इन अ ऑल द मसल्स गो इन अ स्टेट ऑफ परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन, एंड दैट इज नोन एज रिगर मोर्टिस. दैट इज नोन एज रिगर मोर्टिस. सो रिगर मोर्टिस क्या है? परमानेंट स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ डेथ, परमानेंट स्टेट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ डेथ क्यों होती है? आज हमें समझ में आया है, बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ एटीपी रीजेनरेशन. इज इट क्लियर? बिकॉज ये एटीपी बनना बहुत जरूरी है, और यही एटीपी जाके इट विल बाइंड टू मायोसिन हेड या मीरोमायोसिन हेड, ठीक है, एंड क्रॉस ब्रिज विल ब्रेक डाउन. क्रॉस ब्रिज ब्रेक्स, इज इट क्लियर? एंड मसल विल रिलैक्स. और यही एटीपी रीजनरेशन नहीं होती है एट द टाइम ऑफ डेथ. सो और इस रीजनरेशन को करवाने के लिए, ठीक है, भी एंजाइम चाहिए. सो दिस एंजाइम इज ऑल्सो फाउंड इन द मसल्स, ठीक है. एटीपी को ब्रेक डाउन के लिए क्या चाहिए था हमें? ATPase. क्लियर? नाउ सी, ये क्लियर हो गया हमें. रिगर मोर्टिस इज क्लियर. नाउ दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, जिसमें कि हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है कि मसल रिलैक्सेशन कैसे होती है. ट्राई राइटिंग दिस फ्लो चार्ट. वैसे तो मैंने सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं, ठीक है, एक क्विकली रिवाइज कर लें, ठीक है, जल्दी से. अराइवल ऑफ इम्पल्स हुई, आपका जो साइनाप्स था, साइनाप्स के अंदर एसिटाइल कोलीन रिलीज हुआ, रिटन, ठीक है. एसिटाइल कोलीन रिलीज हुआ, तो वो एसिटाइल कोलीन किसके साथ जाके बाइंड करता है? टू द रिसेप्टर्स, ठीक है, विच आर फाउंड ऑन द सार्कोलेमा. क्लियर? सार्कोलेमा के साथ जब रिसेप्टर्स बाइंड करेंगे, एसिटाइल कोलीन बाइंड करेगा, तो इम्पल्स का अराइवल हो जाएगा, ठीक है. इम्पल्स कहाँ पहुंचेगी? टी टिब्यूल्स उसको लेके जाएंगे डीप इन टू द मसल. क्लियर? और डीप इन टू द मसल फाइबर जब जाएगा, तो प्लाज्मिक रेटिकुलम, SCR, राइट? SCR विल ओपन द कैल्शियम चैनल्स, एंड रिमूवल ऑफ कैल्शियम या ई फ्लक्स ऑफ कैल्शियम विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस. और ई फ्लक्स के बाद वो कैल्शियम जाके कहाँ बाइंड हो जाता है? टीपीसी के साथ. और टीपीसी के साथ बाइंड होने के बाद क्या हुआ था? टीपीआई रोल्स डाउनवर्ड, योर थिन फिलामेंट इज रेडी. साइमल्टेनियसली क्या हो रहा था? आपके मायोसिन के, मीरोमायोसिन के हेड के ऊपर बाइंड कर रहा है एटीपी, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, राइट? और एटीपी जब ब्रेक डाउन होता है, थिन फिलामेंट इज रेडी. जैसे भी एटीपी आके टूटा, ब्रेक डाउन हुआ, तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गई. जब वहां से आईपी निकला, तो हेड मूव्स बैकवर्ड एंड इट पुल्स द थिन फिलामेंट्स ऑन द इनर साइड. और थिन फिलामेंट्स आर गोइंग टू स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट. तो दोनों तरह से थिन फिलामेंट्स दे आर कमिंग क्लोजर. द सार्कोमेयर इज कॉन्ट्रैक्टिंग एंड मसल इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट. इज दैट क्लियर?
लेट्स हैव अ क्विक नीट स्प्रिंट एंड वी विल सी कि आज हमने जो रिवाइज किया है, जो पढ़ा है, वो हमें कितना समझ में आया. चलिए, सो आयरन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स ऑफ मायोसिन और क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन. अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन किसके ऊपर प्रेजेंट है? एक्टिन के ऊपर. तो उसकी अनमास्किंग किसने करवाई थी? ट्रोपोनिन को किसने मूव करवाया था? टीपीआई को. दैट वॉज कैल्शियम. दैट वॉज नीट 2016 का क्वेश्चन. नेक्स्ट, ATPase of the muscle is located in. ATPase, breakdown of ATP. कहाँ पे located है? ATPase activity किस पे होने वाली है? That is on myosin. Is it clear? I know it should be miromyosin, but myosin will go. Then, now see, this is the kind of question I was talking about. ठीक है, आपको arrange करने आ सकते हैं steps. तो देखो, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले nerve impulse आएगी. This is step one. उसके बाद कहाँ जाएगी? It will go. और नर्व इंपल्स आने के बाद एसिटाइल कोलीन रिलीज होगा. ये एसिटाइल कोलीन जाएगा सिनेप्टिक लेफ्ट में. ठीक है, तो देखो 2, 4 and 6, 2, 4, 6, तो यहीं से क्लियर हो जाता है द आंसर इज 1. उसके बाद रिसेप्टर साइट्स ऑन सार्कोलेमा. क्लियर? देन स्प्रेड ऑफ इंपल्स ओवर द सार्कोलेमा बाय टी ट्यूब्यूल्स. देन रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस एंड फाइनली शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर. इज दैट क्लियर? सो आई होप आज का टॉपिक इज क्लियर टू ऑल. Please go through your NCRT. We will have a rock and roll at the end of the chapter. And guys, now it is the time for a burger quiz of the day. I have seen the answers. I am noting down ki kaun sabse pehle answer de raha hai. Theek hai? Chalo, aaj bhi dekhte hain is question ka answer sabse pehle kaun dega. So who am I? So you have to give answer for this question. Jo sabse pehle answer dega, uska naam hum announce karenge class mein in the end of the chapter. Theek hai? So who am I? It's an elastic flap-like structure made up of elastic cartilage, part of larynx hai, yani voice box, and it prevents the entry of food in the trachea. I think bahut quickly tum answer likhoge iska. Theek hai, sabko clear ho gaya hai ki ye kya cheez hai. I know sabko aata hai ye answer. Jaldi se likh lo uska answer in the comment section and I'll see you in the next class. और गाइस, कल हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स, मसल फटीग एंड सो मेनी न्यू टॉपिक्स. ठीक है, आई विल सी यू टुमारो एंड टिल देन बहुत अच्छी तरह से अपना ध्यान रखना. ठीक है, नो टशनबाजी एंड आई विल सी यू टुमारो विद द न्यू लेक्चर. थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे. पढ़ाई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट.